जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आईएसओजी गेमिंग पे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट पोजाव लॉन्चर में लेबी मोड और साथ ही साथ लूनार क्लाइंट कैसे खेले। लेबी मोड बहुत यूज़फुल है। देखो मैं अभी लेबी मोड का गेम प्ले शायद से दिखा रहा हूँ, मेरे को खुद नहीं याद, शायद से नहीं दिखा रहा था। ओके तो ये बहुत यूज़फुल आप लोग के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो सबसे पहले लेबी मोड, तो फसल पूजा लॉन्चर आपको अपने प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये जावा एडिशन लॉन्चर है, आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, बट मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, मेरा जो मेन आईडी है। एंड लेबी मोड 1.8.9 और 1.12.2 के लिए है। एंड थोड़ी सेटिंग्स आप लोग देख रहे हो, और बाय द वे पूजा लॉन्चर लेटेस्ट अपडेट में आपका लेबी मोड बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम अच्छा पीसी से इंस्टॉलिंग फीचर भी है। और मैं लैग कम करने के लिए रेजोल्यूशन को कम कर देता हूँ, ये मेरा एक कस्टम कंट्रोल है जो मैंने बनाया, अभी रिलीज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को बहुत सारे बटन्स को रिसाइज करना बाकी है। देखो ये सब, तो मैं चाहता हूँ सारे बटन्स का साइज़ एक जैसा हो जाए ताकि आप लोग को अच्छा लगे, तो इसलिए मैं रिलीज़ नहीं कर रहा। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कॉर्ड पर दे दूँगा डायरेक्ट लिंक, जब भी रिलीज़ करूँगा तो डिस्कॉर्ड से वो ज्वाइन कर लेना। और जैसे आपको लेबी मोड इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपके वेबसाइट में मिल जाए, लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। और मेरा FPS बहुत जल्दी डाउन हो गया, देखे क्या, तो 1.12.2 के लिए मेरे को चाहिए फोर्ज ले लेते, फोर्ज मोड पैक्स यूज़ कर पाऊंगा और नेक्स्ट कर देते। तो इधर आपको जो भी एडेंस चाहिए वो ले सकते हो, आप लोग के स्क्रीन में थोड़ा क्लियर दिखेगा, मैंने जूम करके दिखाया, दैट्स पर थोड़ा ब्लर था। तो कस्टम मेन मेन्यू ले लेता हूँ मैं, और डायमंड इंडिकेटर जो भी चेल ले लेना, टगल स्नेक, फिर नेक्स्ट कर दो, एग्री करो और इंस्टॉल करो। मैंने पहले से कर रखा है इसलिए रॉन्ग कर देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद तो थोड़ा डाउनलोड करेगा तो टाइम जाएगा थोड़ा सा, 5 मिनट या 2-3 मिनट। तो देखो ये रहा मेरा आ गया, जिस मेरा गेम रिस्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड ये रहा गेम स्टार्ट हो गया। लाइक कर देना गाइस, देखो मैंने थोड़ा स्पीड अप किया था, जल्दी खुल जाता है। देखो इसका बैकग्राउंड थीम बहुत अच्छा है, एनिमेटेड है, लैग भी नहीं करता। ये थोड़े लिंक्स है यहाँ आजू बाजू, लिंक्स है उनका, डिस्कॉर्ड का करना है तो कर लेना। यहाँ एक लेबी मोड सेटिंग्स का ऑप्शन है, जैसे इसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताऊँगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखो। जैसे ये कलर पिंग्स और लेबी मोड इंडिकेटर, जो लेबी मोड यूजर है पता चल जाएगा। फिर टैब लिस्ट कैसा रहना चाहिए, मेरे को 1.12 का ही चाहिए। इन्वेंटरी मेरे को ये वाला ही चाहिए, 1.12 का ही अच्छा लगेगा, 1.12 खेल रहा तो इन्वेंटरी मेरा। फिर हेल्थ बार वो सब सारी चीज़ें इधर है। और नीचे से जाऊँगा तो मेरे को इमोट्स, यहाँ लेबी मोड के वेबसाइट पे इमोट्स रहते हैं। अगर आप पीसी यूज़र हो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, अपना नाम आप ऐसा चेंज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया है। तो मैं मल्टीप्लेयर में एक सर्वर में घुस जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ कुछ चैट बटन्स है जिसमें आप अपने दोस्त के साथ चैट कर सकते हो, साथ ही साथ इधर वीडियो चैट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप इन गेम वीडियो कर सकते हो बिना कोई अदर एप्लीकेशन के साथ। और यहाँ एक पब्लिक चैट का भी ऑप्शन है जाता है, यहाँ एक एडेंस का ऑप्शन है, पहले इस पर चले जाते हैं पब्लिक सर्वर से सॉरी। तो जो भी एडेंस आपने डाउनलोड किया रहेगा इधर दिख जाएगा, और ये टॉप लिस्ट पे देखो, टॉप पे मतलब जो भी मोस्टली डाउनलोड करते हैं वो दिखाते हैं इधर, और इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा वो। जैसे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ वीडियो चैट का, बहुत सारे चीज़ें दिख रहे हैं, कस्टम फॉन्ट्स है, मैं ये ले लेता हूँ TNT टाइमर, तो ये TNT जम के लिए काम आएगा। तो मल्टीप्लेयर में जाते हैं, और यहाँ एक पब्लिक सर्वर लिस्ट का भी है जिसमें आपको बहुत सारे सर्वर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, जैसे हाईपिक्सल और बहुत सारे। और देखो मैं हाईपिक्सल में आ गया, मैंने अपना नाम ऐसे चेंज किया है, इधर एक निकनेम चेंज करने का ऑप्शन है लेबी मोड में, जिसमें आप अपना माइनक्राफ्ट यूज़र नेम डाल के नाम चेंज कर सकते हो। और ये ऑफिशियल जावा अकाउंट्स के लिए बना है, पर आप नॉर्मल विदाउट अकाउंट ऑफलाइन अकाउंट में भी खेल सकते हो। ये फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे ये फीचर। और ये रहा मेरा हाईपिक्सल का आइलैंड, में थोड़ा आपको अपना हाईपिक्सल का आइलैंड दिखाना चाहता हूँ जो मैं ऑफलाइन ही करते रहता हूँ ग्राइंड। देख लो ये थोड़ा मेरा एंचेंटेड स्टफ रखा हुआ था, चेस्ट पहले नॉर्मल पूरा स्लाइम बॉल से भर गया था, वहाँ मेरा डायमंड मिनियन है, ये भी एक है, और ये मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के एक मेंबर ने गिफ्ट किया था डायमंड मिनियन और स्लाइम मिनियन, शायद उसका नाम प्रो गेमर था, यहाँ मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि नाम बहुत सारे मिले थे। और देखो ये आपको बटन दिख रहे हैं LMB, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वो सब है,
तो वो भी आपको लेबी मोड में मिल जाता है। और ये देखो आइटम फिजिक्स इसमें है, आइटम एकदम रियलिस्टिक गिरते हुए दिखते हैं। एंड मैं हाई पिक्सल का गेम मोड खेल रहा हूँ। बाय द वे देखो, अगर मैं एफ बटन दबाऊँ जो मेरे स्क्रीन पे है, तो वो एक स्टिकर का खुल रहा था ऑप्शन, जो हाई पिक्सल में है, मतलब लेबी बोर्ड में स्टिकर का एक ऑप्शन रहता है। और साथ ही साथ अगर मैं क्यू दबाऊँ तो मैंने बटन से सेट किया, क्यू में मेरा कुछ ऐसा है कि इमोट्स का खुल जाता है। तो अभी लूनार क्लाइंट पे आ जाते हैं। गाइस लूना क्लाइंट को डाउनलोड कर लेना, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डाउनलोड लिंक दे रखा है, आपको मीडिया फायर लिंक दे दूंगा। और आपको जेड एच ओ डाउनलोड कर लेना है, इसके सेटिंग्स में आकर शो इट इन फोल्डर को ऑन कर देना है। तो अभी हम आप डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ, डाउनलोड्स का फोल्डर ये रहा, और सर्च कर लेते, उसका नाम एल सी नाम है। ओके इसको व्यू करता हूँ मैं, एंड ये जो फाइल है इसको कॉपी कर दो डायरेक्टली मेन फाइल, जैसे व्यू करोगे। फिर आ जाओ अपने गेम्स के फोल्डर में, पूजा लॉन्चर डॉट माइनक्राफ्ट, लूनर क्लाइंट में पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए दिखा रहा था, वर्जन्स के फोल्डर में इसको सिंपली इधर प्लेस कर दो। मैंने पहले से किया इसलिए मैं कैंसिल कर लेता हूँ। एंड यहाँ जैसे आओगे गेम को रिस्टार्ट करके, तो एक एल सी नाम का फोल्डर आपको इधर मिल जाएगा, 1.8.9 के लिए ये। और मेरा गेम लॉन्च हो चुका है, तो देख लो कुछ यहाँ से शायद, अगर आपके पास खुद का पर्सनल अकाउंट है तो यूज़ करना ये शायद से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अकाउंट वेरिफिकेशन शायद से मांगता है, या फिर अपना माइनक्राफ्ट अकाउंट इधर लॉगिन करना पड़ेगा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के, मल्टीप्लेयर खेलना है तो। और ये आप क्रैक सर्वर में खेल पाओगे नहीं पता नहीं, बट इधर आपको केव्स सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लूनार यूज़र हो, आपके पास सारे केव आप लोग बाय करते रहोगे तो आप इस पर भी खेल सकते हो ईजी पीजी। और मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा इनवैलिड लॉगिन कुछ तो आ रहा है, क्योंकि मेरा नेट कुछ दिक्कत दे रहा था। तो मल्टीप्लेयर तो अभी जा नहीं सकता। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा बैड लैंड क्लाइंट कैसे करें, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर अच्छे खासे लाइक्स व्यूज आए तो मैं पक्का डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, जल्दी से लिए डालने का ट्राई करूँगा। एंड वीडियो थोड़ी लेट आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है। देखो यहाँ लूनर क्लाइंट का कुछ सेटिंग्स भी है, बहुत सारे यूजफुल सेटिंग्स, डायरेक्शन बॉस बा, और इधर हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक का भी एक अलग से रहता है, जो चपाती ने भी यूज़ किया था चपाती गेमर ने। इधर देखो अगर आपको हल्का सा स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो इधर बहुत सारे यूजफुल फीचर्स है, सी पी एस एफ पी एस हाई पिक्सल एडेंस, बहुत सारी चीज़ें, कस्टम क्रॉसेस, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप लोग का, और प्लीज़ वो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो, मैं 5K का बहुत करीब हूँ गाइस। और ये मेरा हाई पिक्सल का आइलैंड सॉरी। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। बैड लैंड क्लाइंट का भी लाऊंगा। सायोनारा आहा।